संचालक एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हिट एंड रन मामले में 10 वर्ष के कैद के प्रावधान को परिवहन उद्योग के लिए खतरा बताते हुए केंद्रीय मंत्री को संबोधित पत्र जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर संबंधित अधिकारी को सौंपा और अपनी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग भी रखी। वहीं संगठन के केंद्रीय नेतृत्व से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में चक्का जाम व हड़ताल आदि को वापस लिया गया। हमारे परिवहन उद्योग के लिए खतरा है, इस संदर्भ में है, जिसमें आपको अवगत कराना है कि जो 106/2 की धारा है हिट एंड रन, उसमें लेके जो कानून प्रस्तावित किया गया है वह एक चिंता का विषय हम लोगों के लिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था पे भी नुकसान पहुंचने का। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश ट्रक संचालन एसोसिएशन के महामंत्री आरपी सिंह ने बताया, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 106/2 के विरोध में जो ड्राइवरों के खिलाफ 10 साल की सजा का उसमें प्रावधान किया गया था और आर्थिक जुर्माने की बात कही गई थी, उसके विरोध में हम लोगों ने आज DM साहब को ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। और हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी होम्स ने एक पत्र जारी किया इसके पक्ष में कि हम तब तक इसको लागू नहीं करेंगे जब तक कि ट्रांसपोर्टरों से विचार विमर्श नहीं कर लेते हैं। इसलिए हम लोग जो अपना प्रस्तावित धरना प्रदर्शन या चक्का जाम का प्रस्ताव था उसको पुनः वापस लेते हैं और आगे जैसे ही कार्य चल रहे हैं सामान्य रूप से वैसे ही चलते रहेंगे। दूसरी मेरी एक मांग और DM साहब व्यक्तिगत है कि जो गीडा में हमारा रास्ते बंद किए गए हैं RTO ऑफिस की तरफ जाने के लिए, उसको पुनः खोला जाए, क्योंकि हम लोग को भीटी रावत तक जाना पड़ता है, फिर वहाँ से वापस आना पड़ता है। वहाँ भी जाम की स्थिति बनी रही है और यहाँ भी जाम की स्थिति, तो उसको खोल दिया जाए और वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था दे दीजिए।